नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। शुरुआत करते हैं सुबह की बड़ी खबरों के साथ। बिहार के किशनगंज से एक बड़ी खबर है। अत्याधुनिक वेदांता हॉस्पिटल का शुभारंभ सोमवार को किशनगंज शहर के डे मार्केट हॉस्पिटल रोड स्थित नवनिर्मित एवं अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वेदांता हॉस्पिटल का शुभारंभ, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। अत्याधुनिक वेदांता हॉस्पिटल का शुभारंभ सोमवार को किशनगंज शहर के डे मार्केट हॉस्पिटल रोड स्थित नवनिर्मित एवं अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वेदांता हॉस्पिटल का शुभारंभ सोमवार 18 जनवरी को किया जाएगा, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शुक्रवार को वेदांता अस्पताल में विविध महिलाओं को बांझपन से छुटकारा पूजा अर्चना एवं पाठ का आयोजन मिलेगा। डॉक्टर श्रीमती आर्या ने बताया कि वेदांता हॉस्पिटल की अब तक 448 महिलाओं को बांझपन से निदेशक डॉक्टर वेद आर्या एवं स्त्री एवं छुटकारा दिलाया गया है। उनके घर प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तारा श्वेता, आंगन में भी बच्चों की किलकारियां गूंज। आर्या ने बताया कि वेदांता हॉस्पिटल के रही और आगे भी हमारा प्रयास जारी, खुलने से जिलेवासियों को कई सुविधाएं रहेंगी। जिलेवासियों सहित आस पड़ोस उपलब्ध होगी तथा जटिल रोगों के इलाज के लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बाहर नहीं जाना होगा। खासकर इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। किशनगंज से शबाब अहमद की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज़। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि किशनगंज के लिए ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि एक इतना बड़ा अस्पताल, वेदांता अस्पताल, जिसमें कि ना सिर्फ हर तरह के ऑपरेशंस जो कि मर्दों के हो सकते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर, पथरी, किडनी के पथरी के स्टोन्स हुए, इंटेस्टाइन के ऑपरेशंस हुए बड़े बड़े, वो इसके अलावा जो औरतें हैं उनके जो ऑपरेशंस होते हैं सिजेरियन हिस्टेक्टोमी और ट्यूमर के और तरह तरह के, जिनके नीचे के रास्ता नहीं होता है, वजाइनल एजेनेसिस जो होते हैं, वो सुविधा, वो ऑपरेशन होगा। साथ ही साथ IVF, जो कि पहले कराने के लिए, जिसे हम चलती भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं, कराने के लिए कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, सिलगुड़ी, मतलब या पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता था लोगों को, अब वो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वेदांता अस्पताल सब चीज़ों से लैस है। आपको हर एक चीज़ की सुविधा अब वेदांता में मिलेगी, ऑपरेशंस साथ ही में मर्दों के सारे ऑपरेशन, औरतों के सारे ऑपरेशन और IVF की सारी सुविधाएं अब आपके अस्पताल में, वेदांता अस्पताल में, आपके अपने शहर में मौजूद है। इसलिए किशनगंज वासियों के लिए एक बहुत ही हर्ष का माहौल है कि उनके अपने इलाके में इतना बड़ा अस्पताल खुला है। हर तरह के ऑपरेशन यहाँ पर होंगे। कभी कभी आपने सुना भी होगा, ऑपरेशन हो गया उसके बाद ब्लीडिंग हो रहा है, पेशेंट मर जा रहा है, तो अब इसकी कोई भी गलती ना करें, सीधा आप अपने मरीज को लेकर वेदांता आए। ना सिर्फ बांझपन, जिसकी हटाने की मुहिम मैंने शुरू कर रखी है, बल्कि हर तरह के ऑपरेशन यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। और IVF तो खैर मैं करती हूँ, जिसके लिए कि मैं प्रसिद्ध हूँ ही, आप लोगों ने ही मुझे प्रसिद्ध किया है, आप लोगों की दुआ चाहिए, संतान सुख दिया है जी। मैंने अभी तक कुल 448 महिलाओं को दवाई, IUI और IVF के द्वारा संतान प्राप्त, सुख का प्राप्ति दिया है, जिससे कि वो माँ बाप बन पाए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादी के 4 साल या 5 साल के बाद, बल्कि शादी के 22-22 साल के बाद, 28 साल के बाद भी महिलाएं माँ बनी हैं, वो भी एक नहीं बल्कि दो दो बच्चों की माँ। बल्कि मैं तो कहूँगी, मेरी एक मरीज हैं जो कि अभी 42 साल की उम्र में माँ बनी है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है इतनी छोटे से शहर में, जो मैं